हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट सप्लीमेंट्री रीडर इन इंग्लिश फॉर क्लास सेवेंथ। एंड बुक का नाम क्या है? एन एल इन हैंड। तो आज हम चैप्टर नंबर थर्ड करेंगे, गोलो ग्रोस और नोस। इससे पहले हम टू चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, द टाइनी टीचर्स एंड ब्रिंगिंग अप करी। तो आप प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, जिससे आप क्या है इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट टू एट्थ कम्प्लीटली कवर कर सकते हो मेरे चैनल से। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, गोलू ग्रोस और नोस। तो जो ये एक हाथी के, ये जो गोलू ग्रोस और नोस स्टोरी है, क्या एक हाथी के बच्चे के बारे में, जो जिसका नाम क्या है, गोलू है। हाथी के बच्चे का नाम क्या है? गोलू। जो अपने आसपास होने वाली सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए क्या बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता है। वो सभी पक्षी पक्षियों से क्या प्रश्न पूछता है जो भी उसके चारों तरफ रहते हैं, पर क्या लास्ट में क्या वो एक सवाल पर अटक गया, यानी कि मगरमच्छ कैसा दिखता है, वो रात को खाने में क्या खाता है। इस उत्तर को खोजने के लिए क्या हुआ, उसे मगरमच्छ तक जाता है वो इस उत्तर को खोजने के लिए। और तब उसके साथ क्या होता है आगे इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ओके, देयर वॉज अ टाइम वैन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। तो ये उस समय का टाइम है, मतलब ये क्या है, एक फिक्शन स्टोरी है। ओके, काल्पनिक स्टोरी है। तो यहाँ पर क्या है, ये उस समय की बात है जब क्या है एलिफेंट के पास कोई ट्रंक नहीं थी। एंड गोलू अ बेबी एलिफेंट विद अ बुल्गी नोज is full of questions and he goes to Limpopo river to find out more about the crocodile's eating habit. So let's start the chapter. Long ago the elephant had no trunk. मतलब बहुत समय पहले की बात है, सुन, जो एलिफेंट था उसके पास क्या है, कोई ट्रंक नहीं थी, कोई सूंड नहीं थी। एंड ही हैड ओनली अ बुल्गी नोज, उसके पास क्या थी, एक बस एक बुल्गी नोज थी, मतलब जैसे उभरी हुई, थोड़ी सी उभरी हुई नोज थी, ऐसे लाइक दिस। ओके, एज बिग एज अ बोट, मतलब इतनी बड़ी थी वो जितना क्या है एक बड़ा बोट होता है, जैसे शूज होता है, शूज तो सिंपल सा होता है, बूट क्या होता है थोड़ा एंकल से ऊपर होता है। ओके, तो वो क्या इतना बड़ा था। ओके, ही उस जो नोज थी इनकी वो इतनी बड़ी थी, ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड, वो क्या उसे हिला सकते थे, विगल कर सकते थे साइड टू साइड, बट कुडंट पिक अप थिंग्स विद इट, लेकिन क्या है कोई भी वस्तु उससे अपने, जैसे एलिफेंट क्या है सारी चीज़ों को क्या है अपने सूंड से उठा लेते हैं, जब उसकी बुल्गी नोज थी तो कुछ भी चीज़ें नहीं उठा पाते थे ऐसे। एंड देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू, और वहाँ पर क्या है गोलू नाम का एक हाथी का बच्चा था। एंड ही टू हैड नॉट ट्रंक बट ओनली अ बुल्गी नोज, उसके पास भी क्या है ट्रंक नहीं थी, बट एक क्या थी उसके पास भी बुल्गी नोज थी, एज स्मॉल बुट, और क्योंकि वो एलिफेंट है, जो एलिफेंट था वो क्या है एलिफेंट बेबी था, तो उसकी नोज कैसी थी, मतलब स्मॉल बुट की तरह थी, मतलब एक जो बिग एलिफेंट होंगे उनकी कैसी थी, बिग एज अ बुट, जैसे बूट होता है, लेकिन जो छोटा एलिफेंट है उसके पास एक और स्मॉल बुट की तरह होगी उसकी नोज। ओके, गोलो वॉज फुल ऑफ क्वेश्चन, जो गोलू था वो क्या है पूरी तरीके से सवालों से भरा था। He asked his tall aunt, the ostrich, why don't you ever fly like other birds? तो वो क्या अपनी जो उसकी चाची होती है, मतलब ऑस्ट्रिच जो होती है, तो उससे शत्रुमुख से पूछता है कि तुम भी अन्य पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ते हो, जैसे मतलब दूसरे पक्षी उड़ते हैं। एंड देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल, और फिर उसके बाद क्या है वो अपने लंबे चाचा से पूछता है, लंबे चाचा कौन होते हैं, दी जिराफ, What makes your skin so sporty? तो तुम्हारी जो त्वचा इतनी धब्बेदार क्यों है, मतलब उसे क्या पता होगा कि मतलब स्पोर्टी क्यों है, मतलब उसके क्वेश्चन ऐसे होते थे गोलू के। ओके, ये आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल, तो जो उसके बड़े से जो विशाल से जो चाचा थे, हिप्पोपोटमस थे, why your eyes always so red? तो उससे वो क्या पूछते हैं, मतलब जो विशाल से जो चाचा होते हैं, जो ये दरियाल घोड़ा कहा जाता है इसे, कि तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों रहती हैं हमेशा। एंड ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल दी बैबून, तो क्या है अब उसने क्या है अपने बालों वाले चाचा जिसका नाम क्या है बबून से पूछा, व्हाई डू मेलन टेस्ट लाइक अ मेलन, मतलब खरबूजे के साथ खरबूजे जैसा क्यों होता है, मतलब कैसे क्वेश्चन थे, मतलब अगर कोई पूछेगा आपसे कि नींबू खट्टा क्यों होता है, तो ये तो नेचुरली है ना, तो यही यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन होते थे जो बेबी एलिफेंट है, मतलब उसके क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ही डिफिकल्ट होता था। द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिप्पोपोटमस एंड द बैबून हैड नो आंसर टू जिराफ्स क्वेश्चंस, उन लोगों के पास जो शत्रुमुख जिराफ और जो
दरियाल जो घोड़े था, जो दरियाई घोड़ा था, उनके पास, बबुन के पास गोलू के सवालों का कोई जवाब नहीं होता था, क्योंकि गोलू इज अ नॉटी बेबी. जो गोलू था वो क्या, एक शरारती बच्चा था, दे सेड, वो कहते थे. एंड ही आस्क सच अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. वो मतलब कैसे क्वेश्चन पूछता था, बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन पूछता था जिसका कोई आंसर ही नहीं होता था. वन डे गोलू मेट अ मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ अ बुश. तो एक दिन क्या है, गोलू की मुलाकात किससे होती है, मैना से होती है, जो कि है झाड़ियों में बैठी हुई, बुशेस में बैठी हुई, के बीच में बैठी हुई है, मिडिल में बैठी हुई है. एंड ही आस्क हर, और उसने उससे पूछा, वट डज द क्रोकोडाइल्स हैव फॉर डिनर. तो उसे पूछा कि मगरमच्छ रात के खाने में क्या बनाता है. दी मैना सेट, तो मैना ने कहा, गो टू बैंक ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट. तो मैना ने कहा, मतलब आप क्या है, बड़ी घास वाली लिम्पोपो नदी के तट पर जाओ और वहाँ पे पता लगाओ. तो गोलू वेंट होम, तो गोलू क्या है, घर जाता है. एंड ही टुक अ 100 सुगर कैंस, वो क्या है, 100 गन्ने के गट्टे रखते हैं अपने साथ. एंड 50 दर्जन बनानास एंड 25 मेलन्स, और 50 दर्जन बनाना जो केले होते हैं उनको रखता है, और 25 खरबूजे भी लिए उसने अपने साथ में. एंड देन ही सेड टू हिज फैमिली गुड बाय. तो उसके बाद उसने अपनी फैमिली से कहा अलविदा, मतलब जैसे हम कहीं जाते हैं तो हम कहते हैं ना गुड बाय, तो उसने भी गुड बाय अलविदा कहा अपनी फैमिली को. आई एम गोइंग टू ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर. तो उसने अपने फैमिली से कहा कि मैं क्या है, महान घास वाली लिम्पोपो नदी पर जा रहा हूँ. आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल्स हैज फॉर डिनर. तो मैं पता लगाऊंगा कि मगरमच्छ रात में खाने में क्या खाया है. एंड He had never seen a crocodiles and didn't know what one looks like. तो उसने क्या, वो नहीं जानता था कि मगरमच्छ कैसा दिखता है, ना ही उसने कभी मगरमच्छ को देखा था. And he met a python and asked him. तो उसकी मुलाकात किससे होती है, पाइथन से होती है. पाइथन ये ऐसा सांप होता है, ये अजगर होता है, बहुत बड़ा होता है, विशाल सा सांप होता है. You have ever seen a crocodiles? तो उससे पूछता है, क्या तुमने कभी, तुमने क्या क्रोकोडाइल को देखा है. What does he look like and what does he have for dinner? तो उससे पूछते हैं वो कैसा दिखता है, मतलब और उसके पास क्या है, रात को खाने में क्या है. But the python uncoiled himself from the branches of the tree. Uncoiled मतलब जैसे वो उसके उसमें क्या है, ये अपने आप को फोल्ड करके रखता है ब्रांचेस में. तो ये क्या है, अपने आप को अनकॉइल्ड करता है, मतलब उसको ब्रांच मतलब खोलता है उसको और थोड़ा आगे को झुकता है, जैसे ये देखो आगे है. तो यहाँ पर क्या है, अनकॉइल्ड करता वो हिमसेल्फ एंड ब्रांचेस से. एंड बट सेड नथिंग, लेकिन कहता कुछ नहीं है, मतलब बोला उसने कुछ नहीं. एंड गोलू पोलाइटली हेल्प हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांचेस अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम. तो गोलू होता है वो क्या, उसे पूरी मतलब पोलाइटली मतलब उसके आदर के साथ विनम्रतापूर्वक उसे क्या, फिर से जो ब्रांचेस होती है उसके चारों तरफ मतलब वापस कॉइल कर देता है, अराउंड उसको वापस लपेट देता है. एंड सेड गुड बाय टू हिम, और उसे क्या अलविदा कहा उसने. गोलू मीट द क्रोकोडाइल फेस टू फेस. अब क्या है, इससे आगे है गोलू क्रोकोडाइल से फेस टू फेस मीट करने वाला है. ओके, ये गेट्स अ पाइथन्स हेल्प, और पाइथन्स की हेल्प भी मिलेगी. देखते हैं अब किस तरीके से मिलती है. व्हेन ही नीड इट्स मोस्ट, जब उसे क्या इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत होती है. गोलू ग्रोज अ लॉन्ग एज यूजफुल नोज. अब क्या है, उसकी नाक भी लंबी होने वाली. अब देखते हैं हम इसको डिस्क्राइब करते हैं अच्छे से. ओके, गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग सुगर कैन एंड बनानास एंड मेलन्स. तो गोलू क्या है, गन्ने केले और खरबूजे खाते हुए आगे बढ़ रहा था. एंड आफ्टर अ फ्यू डेज ही रीच्ड द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर. ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ अ लॉन्ग ऑफ वुड. तो गोलू क्या है, मतलब कुछ दिनों के बाद वहाँ पर जो लार्ज सा, जो विशाल सा, जो वहाँ पे क्या है, विशाल सा घास वाली जो लिम्पोपो नदी है उसके बिल्कुल किनारे पर पहुंची. और नदी के किनारे पर उसने क्या है, एक लॉग ऑफ वुड मिला, मतलब एक लट्ठा दिखाई दिया उसे लकड़ी का. एंड इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल्स हु विंग्ड एट हिम. तो मतलब उसे क्या है, एक लकड़ी का एक गट्ठा दिखाई दिया. तो उसे देखकर क्या है, उसने क्या है वहाँ पर क्या है, इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंग्ड एट हिम. ये वास्तव में क्या है, मगरमच्छ था जिसने क्या उसे देखकर क्या है, विंग डिगे आंखों को क्या झपकाया, मतलब आंख मारी थी. एक्सक्यूज मी सेड गोलू. तो गोलू कहता है, एक्सक्यूज मी आर हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्या तुमने कभी मगरमच्छ को देखा है. द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन. तो क्रोकोडाइल्स क्या है, फिर से अपनी आंख झपकाता है, मतलब आंख मारता है उसे. एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड. और मतलब जो उसकी जो हाथी पूंछ कीचड़ से बाहर उठा ली उसने, जो उसकी पूंछ थी. एंड कम हेयर लिटिल वन, सेड द क्रोकोडाइल्स. Why do you ask such questions? तो वो बोलता है,
आओ यहाँ आओ छोटे मगर मतलब मगरमच्छ ने उससे कहा यहाँ आओ। और तुम ऐसे मतलब सच्चे क्वेश्चन ऐसे कुछ सवालों को क्यों पूछते हो? क्रोकोडाइल ने उससे पूछा आई वॉन्ट टू नो। तो जो लिटिल एलिफेंट होता है वो कहते हैं मैं जानना चाहता हूँ। कम क्लोज लिटिल वन फॉर आई एम अ क्रोकोडाइल्स। तो वो कहता है नजदीक आओ छोटे बच्चे क्योंकि मैं ही क्या हूँ क्रोकोडाइल्स हूँ। एंड ही शेड क्रोकोडाइल्स टीयर्स टू शो इट्स इट वॉज अ क्वाइट ट्रू। तो उसने क्या है अपने मगरमच्छ के आंसू भी दिखाए उसके क्योंकि है वो बिल्कुल सच बोल रहा है मतलब। एंड गोलू वॉज अपरेड बट ही सेट डाउन ऑन द बैंक एंड सेट यू आर अ वेरी पर्सन। तो वो क्या है गोलू डर भी गया था अफ्रेड था थोड़ा बहुत डरा हुआ था और वो क्या है सेट डाउन हो जाता है मतलब वो किनारे के नदी के किनारे पे क्या है बैठ जाता है वहां पर और कहता है यू आर तुम वही हो जिसे क्या है मैं तलाश कर रहा था। वेरी पर्सन मतलब जिसकी क्या है मैं तलाश कर रहा था। आई वॉज लुकिंग फॉर यू। तो क्या कहता है आई वॉज लुकिंग फॉर यू यू प्लीज टेल मी वट यू हैव फॉर डिनर। तो वो कहता है कि मतलब प्लीज मुझे बताओ कि मतलब डिनर में क्या है। कम हेयर लिटिल वन एंड आई विल विश्पर द आंसर टू यू सेड द क्रोकोडाइल्स। कम हेयर वो बोलता है मेरे पास आओ लिटिल वन मतलब मैं क्या है तुम्हारे कान में मतलब आंसर दूंगा इसका मतलब कि मतलब क्रोकोडाइल ने उससे कहा गोलू पुट हिज हेड डाउन एंड क्लोज टू द क्रोकोडाइल्स स्नाउट एंड क्रोकोडाइल्स कॉट हिम बाय द नोज। तो जो गोलू होता है वो क्या अपने सूंड को क्या है नीचे करता है क्योंकि क्रोकर उसे लगता है कि मतलब क्या है ये मतलब मुझे कुछ बोलने वाला है। गोलू अपने सिर को क्या मगरमच्छ के पास लेके जाता है। मगरमच्छ ने क्या उसके नाक को अच्छे से पकड़ लिया। एंड आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल्स टूडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मगरमच्छ ने कहा कि आज क्या है एक हाथी ही मेरा क्या है रात का क्या है डिनर होने वाला है। लेट मी गो मुझे जाने दो यू आर हर्टिंग मी। तो जो मिस्टर क्रोकोडाइल्स स्क्रीम्ड गोलू। तो गोलू चिल्लाता है बोलता है लेट मी गो मतलब क्या मुझे जाने दो मुझे क्या तुम चोट पहुंचा रहे हो। एंड द पाइथन हु हैड बिन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू। जो अजगर होता है वो क्या चुपचाप से गोलू को फॉलो कर रहा था। एंड कैम टू द बैक एंड सेड और क्या है वो मतलब किनारे पर आया एंड सेड और बोला इफ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन। तो अगर तुम क्या है पूरी तरीके से ताकत से क्या खुद को नहीं खींचोगे तो क्या है दी क्रोकोडाइल्स विल ड्रैग यू इन टू दी स्टिंग। तो जो क्रोकोडाइल्स है वो क्या है तुम्हें नदी में खींच लेगा। गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस एंड पुल्ड। तो गोलू क्या है अपनी छोटी सी टांगों के सहारे से बैठ गया एंड अपने आप को क्या उस खींचने लगा और खींचने पुल्ड करने लग गया खुद को। एंड द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इन टू द वाटर एंड मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्विप्स ऑफ हिज टेल एंड ही ऑल्सो पुल्ड एंड पुल्ड। मगरमच्छ क्या है पानी में फिसल गया और उसने अपनी पूंछ के जोर से झटके से पानी में क्या है बिल्कुल फिसलन वाली बना दी स्लिपी वाली बना दिया और उसने क्या है उसको खींचा और खींचा। क्रोकोडाइल्स भी अपने तरफ से उसे खींच रहा था गोलू को। एंड देन द पाइथन कॉइल्ड हिमसेल्फ अराउंड द गोलूस स्टमक एंड सेड लेट्स पुल हार्डर। तब क्या है अजगर ने क्या गोलू के पेट में क्या पूरी तरीके से बांध लिया अपने आप को। तो बोला वैसे चलो खींचते हैं। एंड द मर्ड एंड पुल्ड द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग एट ईच पुल द नोज ग्रेव लॉन्गर एंड लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू। यो हेलो अब नोज क्या है बट द नोज इज वॉज फिट एट लास्ट। नोज कितनी लंबी हो चुकी थी 5 फीट लॉन्ग हो चुकी थी। एंड गोलू सेट डाउन विद हिज नोज रैप्ड अप अप इन द बिग बनानास एंड लिप एंड ह्यूज अप इन द ग्रेट ग्रासी लिप ऑफ रिवर टू कूल एंड सेट देयर फॉर 2 days एंड वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड टू श्रिंक एंड ही ग्रीव कूल बट ही डिडेंट श्रिंक। लेकिन वो ठंडी नहीं हो पाती है। एट द एंड द सेकेंड डे द फ्लाई कम एंड स्टेप गोलू ऑन द शोल्डर्स एंड गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज एंड ट्रंक एंड विद इन हिट द फ्लाई डेड। तो गोलू क्या है जो उसके मतलब उसके ऊपर जो वो बैठती है चींटी बैठती जो मक्खी आई हुई होती है वो उसके कंधे पे बैठ जाती है। तो गोलू क्या उसके अपने सूंड से मार उठाया और उसको क्या मक्खी पर वार कर दिया। जो मक्खी थी वो क्या
मर गई। एडवांटेज नंबर वन, तो जो हिसिंग करते हुए पाइथन ने कहा कि एडवांटेज नंबर टू, नंबर वन क्या है कि यू कुडंट हैव अ डोंट इट व्हाट इज स्मॉल नोज, तो आप क्या है यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, तो कहता है कि आप क्या है इसे छोटे नाक से ऐसा नहीं कर सकते थे, मतलब ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ, तो अब क्या है तुम कोशिश करो थोड़ा सा खा लो। एंड गोलो पुट आउट हिज टंग एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, तो जो गोलू है उसने क्या है सूंड निकाली और घास का क्या एक बड़ा सा गट्टर तोड़ दिया। एंड ही डस्टेड इट अगेन हिज फोर लेग्स एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ, और उसने क्या है अपने पैरों से जो उसमें घास पे जो डस्ट थी उसको क्या छिड़का और अपने मुंह में उसे भर लिया। एंड एडवांटेज नंबर टू, तो जो अजगर है वो फिर से हिस्ट करने लग गया पाइथन था, जो वो बोलता है कि एडवांटेज नंबर दो, यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, तो ये क्या है तुम स्मॉल नोज से नहीं कर सकते, डोंट यू थिंक दिस सन इज टू हॉट नाउ, तो तुम्हें लगता है कि सूरज क्या आज बहुत गर्म है, मतलब गर्मी हो रही है। तो अजगर कहता है उसे गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड, तो गोलू ने क्या है नदी के किनारे में मिट्टी उठाई और अपने सिर पर मार ली। एंड एडवांटेज नंबर थ्री हिस्ट्री पाइथन, तो फिर से अजगर जो फुसफुसाया और बोला एडवांटेज नंबर थ्री यू वुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, ये भी तुम क्या है अपनी छोटी नाक से नहीं कर सकते थे। थैंक यू मिस्टर पाइथन, तो अब सेट गोलू कहता है ग्रेटफुली कि थैंक यू मिस्टर पाइथन, I will remember all this and now I will go back to my family. तो क्या है मैं इस सब चीज़ों को याद रखूंगा और अब क्या है मैं अपने परिवार वालों के पास क्या है वापस जाऊंगा। It's written by Rudyard Kipling. आपने Rudyard Kipling की जंगल भी देखी होगी, वो बहुत अच्छी मूवी थी Rudyard Kipling की, अगर आपको याद हो, मतलब और एक फिन नाम की जो एक मूवी आई हुई थी तो वो भी क्या है Rudyard Kipling की थी, तो अगर आपने देखी होगी Rudyard Kipling एक बहुत ही अच्छे लेखक थे, उपन्यासकार थे, उन्होंने बहुत सारी स्टोरियाँ लिखी हैं और जैसे द जंगल बुक्स और केम, ये फेमस उनकी एक मतलब पिक्चर भी बनाई गई इन फेमस स्टोरीज के ऊपर। क्वेश्चन आंसर है हुम डस गोलू आस्क व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स, तो गोलू ये किससे पूछता है कि तुम क्या है अन्य पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ते, तो गोलू किससे पूछता है क्वेश्चन टू द ऑस्ट्रिच, तो ये ऑस्ट्रिच से क्वेश्चन करता है एंड विच अंकल द गोलू हैड रेड आइज, तो अंकल कौन से अंकल की गोलू के किस चाचा की लाल आंखें थी, तो गोलू के चाचा जो हिप्पोपोटामस थे जो उनकी आंखें कैसी थी रेड थी। एंड गोलूस रिलेटिव डिड नॉट आंसर हिज क्वेश्चन बिकॉज, क्यों नहीं देख पाते थे द क्वेश्चन वर टू डिफिकल्ट, क्योंकि जो गोलू के क्वेश्चन थे वो बहुत ही डिफिकल्ट थे। एंड फोर है क्वेश्चन नंबर फोर है हु एडवाइज गोलू टू गो टू लिम्पो रिवर, तो ये किसने एडवाइस दी थी कि गोलू को लिम्पोपो रिवर जाना चाहिए, मैना ने बोला था ना मैना बर्ड्स एडवाइस गोलू टू गो टू द लिम्पो रिवर, एंड व्हाई डिड द गोलू गो टू द रिवर, तो गोलू क्यों गया था नदी में, द गोलू वेंट टू द रिवर बिकॉज ही वॉन्टेड टू नो वट अ क्रोकोडाइल लुक्स लाइक एंड वट ही ईट्स फॉर डिनर, वो जानना चाहता था कि वो कैसे दिखता है और वो रात को खाने में क्या खाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है क्रोकोडाइल ले ऑन अ बैंक ऑन द लिम्पो रिवर, गोलू थॉट इट वॉज, जो मगरमच्छ था वो लिम्पो नदी के तट पर पड़ा था, गोलू को क्या लगा, गोलू को लगा कि वो क्या है एक लकड़ी का घट्टा है और लॉग ऑफ वुड। एंड व्हाट डिड द क्रोकोडाइल डू टू शो दैट इट वाज अ रियल क्रोकोडाइल, तो मगरमच्छ ने ये दिखाने के लिए क्या किया था कि वो क्या है असली मगरमच्छ है, द क्रोकोडाइल शेड क्रोकोडाइल टीयर्स एंड टू शो दैट इट वॉज द रियल क्रोकोडाइल, तो मगरमच्छ ने क्या है ये दिखाने के लिए अपने क्या मगरमच्छ वाले आंसू बहाते जो क्या कभी भी असली नहीं होते लेकिन वो यहाँ पे क्या है उसे आंसू दिखाता है। And come here, little one, and I will whisper the answer to you. The crocodile said this because, तो यहाँ आओ छोटे बच्चे, मैं तुम्हें क्या फुसफुसा के मतलब आराम से तुम्हें आंसर दूंगा। तो मगरमच्छ ने ऐसा किस लिए कहा था, क्योंकि he wanted to eat Golu, क्योंकि वो eat करना चाहता था गोलू को, खाना चाहता था। And who helped the Golu on the bank of the river? किसने किया थी, पाइथन ने help की थी ना उसे अपने उससे लपेट के, उसे खींचा था पेड़ से बांध के। यानी नेम ऑफ टू थिंग्स द एलिफेंट कैन डू विद हिज टंग एंड टू ही कैन नॉट, जो मतलब दो चीज़ें ऐसी लिखो जो क्या एलिफेंट अपने सूंड से कर सकता है, दो ऐसी चीज़ें लिखो जिसे वो नहीं कर सकता। ही कैन प्लग फ्रूट्स एंड लीव्स फ्रॉम द ट्रीज विद हिज टंग एंड ही कैन कीप अवे द इंसेक्ट, तो कीड़ों को दूर भगा सकता है, फ्रूट्स तोड़ सकता है, और क्या नहीं कर सकता, ही कैन नॉट यूज हिज लेग्स,
वो क्या है, अपने पैरों को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता, एंड ही कैन नॉट सी विद द हेल्प ऑफ हिज टंग, और वो क्या अपनी सूंड की मदद से देख भी नहीं सकता है, मतलब क्योंकि जैसे इंसान है, इंसान क्या पैरों से अपने पेड़ पे चढ़ते हैं, लेकिन वो नहीं चढ़ सकता, वो क्या अपने टंग से ही सब कुछ तोड़ देता है पेड़ पौधों को भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।